Namaste. Hi. How are you? Okay, today let's discuss about the power of the subconscious mind, जो आपका अचेत मन है. आपको अगर मालूम नहीं हो तो आपका एक सचेत मन होता है द कॉन्शियस माइंड, एंड दूसरा माइंड होता है द सबकॉन्शियस माइंड, जो अचेत मन है. अचेत मन की जो पावर है, जो शक्ति है, वो आपके सचेत मन से 1000 गुना ज्यादा है, लेकिन हमने कभी उसे टैप नहीं किया है. हमको सिर्फ ये माइंड पता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं. जैसे आज मुझे यहाँ जाना है, मुझे अभी खाना है, मुझे अभी स्कूल जाना है, मुझे अभी नौकरी पे जाना है, कल फ्लाइट पकड़नी है, इधर मीटिंग है, ये सारी चीज़ें जो कॉन्शियस माइंड के अंदर हैं. लेकिन हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे माइंड के लेयर्स हैं, बट हम अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे. हम सिर्फ ये दो माइंड्स के बारे में बोलेंगे, जो है कॉन्शियस माइंड एंड द सबकॉन्शियस माइंड, जो सचेत मन है और अचेत मन है. सचेत मन हमको सब दिखता है, जो याद होता है, ये सारे सचेत मन द कॉन्शियस माइंड के प्रॉपर्टीज है. लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमको कहाँ है, क्या करता है, किसकी ताकत क्या है, हमें नहीं पता, जो अचेत मन है. नाउ हाउ डू यू डू दैट. जो अभी एक सिंपल एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव ट्राइड या आपने अनुभव किया होगा. कई मर्तबा हम अलार्म तो रखते हैं, लेकिन कई मर्तबा हम अपने आप से कहते हैं मुझे कल फ्लाइट पकड़नी है, मुझे 4 बजे उठना है किसी भी हालत में, और आपकी आँख 4 बजने को होते हैं और आपकी आँख खुल जाती है. ये कई बार ये हुआ है और होता है, करेक्ट. उसी तरह से अभी आपके अचेत मन को आपको जागृत करना है या यूज़ करना है, जिसकी इतनी ज़्यादा पावर है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे लोग कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सेम थिंग, कि आप सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं. सोने से पहले ये चीज़ करके देखिए, आप सोने से पहले, रात को सोने से पहले, आपको जो चीज़ लाइफ से चाहिए वो आप अपने सबकॉन्शियस पे ज़्यादा बोलते रहना है आपको. सपोज़ आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो ये दिमाग में होना चाहिए किस तरह की जॉब कहाँ पे होगी, कितनी सैलरी होगी, ये सब डिटेल में होना चाहिए. आप रोज़ ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, ये आप दोहराते रहेंगे आपके सचेत माइंड को. चाहिए तो आप उसे लिख लीजिए क्या चाहिए डिटेल में. या आपको शादी करनी है और अपने स्पाउस को ढूंढ रहे हैं, या मेल हो या फीमेल हो, जो भी, किस तरह का हस्बैंड या वाइफ आपको चाहिए, ये आप डिटेल में लिख लीजिए. और ये रोज़ दोहराते रहिए बिफोर यू गो टू स्लीप. ये जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, किस तरह से चलती है, इट ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाती है. कैसे होती है, वी डोंट नो, बिकॉज द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस इज सच. हमने पीस ऑफ माइंड के बारे में डिस्कस किया है कुछ एपिसोड में, तो पीस ऑफ माइंड भी एक ऐसी ही तरीके से किया जाता है. पीस ऑफ माइंड आप रोज अपने आप को कहिए कि मुझे मन की शांति चाहिए. सिमिलर थिंग, रोज आपके सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब अचेत मन को, ये आप कहते रहेंगे. दिस इज द इवन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी में ही आता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, जो बार बार वही चीज़ दोहराना. लेकिन ये आपके अचेत मन को आपको बोलना है कि मुझे ये चाहिए, ये चीज़ आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक्ट करती है. आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है. आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं करते, हमको मालूम ही नहीं है. हमको सिर्फ आज की चीज़ें मालूम है, आप जो हमको दिखता है, जो हम सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हमको दिमाग में होती है. लेकिन एक ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो अंदर की, भीतर की चीज़ें. कैसे आपको पता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड चलता है? कभी कभी आपको ये इंट्यूशन आते हैं, पता है? ऐसे आपको दिल में लगता है, मन आपका बोलता है कि मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, या ये मुझे नहीं लगता मेरे लिए ठीक है या सही है. ये कौन कहता है आपको? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के विचार हैं जो आपको सचेत मन में, द कॉन्शियस माइंड में आते हैं. ये विचार आपके कॉन्शियस माइंड के नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के हैं. ये विचार, जो इंट्यूशंस एंड ऑल दीज फीलिंग्स आर देयर, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के विचार हैं. इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार टोकता रहता है, आपके साथ संपर्क साधना चाहता है. सबकॉन्शियस माइंड ट्राइज टू
कनेक्ट विथ यू, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना है। तो अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएंगे। रोज रात को ये चीज़ कहनी है, एक एक चीज़ एक बार करिए, डोंट बी ग्रीडी, डोंट डू 10,000 थिंग्स एट वन टाइम, एक चीज़ एक बार करिए एंड देखिए कैसे ये मैनिफेस्ट होती है, ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होती है। दैट्स हाउ द बॉडी इज मेड अप ऑफ। बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका माइंड कितना कॉम्प्लेक्स है, आपका ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है, और हम उसको यूज़ भी नहीं करते। 10% ऑफ द ब्रेन वी यूज, बाकी का ब्रेन हम यूज़ ही नहीं करते। सो दीज आर ऑल दीज थिंग्स विच आर देयर, आपको जो चाहिए मिलेगा। ये बोलते हैं यू कैन मैनिफेस्ट एक्चुअली वॉट यू वॉन्ट, जो चाहिए आपके लाइफ में आएगा, जैसे चाहिए आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें है, कोई भी गलत चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। सचेत मन को नेगेटिविटी समझ में नहीं आती। अगर आप ये सेंटेंस नेगेटिविटी बोलेंगे कि मुझे 4 बजे से पहले नहीं उठना है, ये नहीं वर्ड यूनिवर्स को नहीं समझ में आता, ये यूनिवर्स की वोकैबुलरी में नहीं है, हमारी सबकॉन्शियस की वोकैबुलरी में ये नहीं, नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। तो आप अगर किसी का बुरा बुरा चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला। सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स सबकॉन्शियस को समझती है और वही होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बोलते रहेंगे इस बंदे का बुरा हो, वो नहीं होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ें नहीं समझ में आती, वो सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड को समझती है। अनकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर नहीं है जो सबकॉन्शियस माइंड में है। सो अगर ये वीडियो देखते देखते आपको ये आएगा कि हाँ हाँ मैं ये करूँगी कि इसका ये बर्बाद हो जाएगी, ये करे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सो व्हेन यू आर यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, यूज दैट पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड फॉर पॉजिटिविटी। और आपके लाइफ में आप किस तरह से पॉजिटिविटी ले आ सकते हैं, इसको आप यूज़ करें, इसके लिए ये सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें। किसी का बुरा हो इसके लिए नहीं यूज़ करें। फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, आपका भला हो आपको इसी तरफ ध्यान देना चाहिए, नॉट थिंक बैड अबाउट द अदर, यूज़ इट फॉर योर ओन गुड। आपके अपने लिए यूज़ करिए इसे, आपके अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ करिए, ओके। बट द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज यू समथिंग दैट यू हैव टू ट्राई, समथिंग जो आप करके देखिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। हाउ इट वर्क्स, इट इज़ अमेजिंग हाउ इट वर्क्स, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, ओके। सो ट्राई डूइंग दैट रोज सोने से पहले, जो चीज़ आपको चाहिए पहले तो आप लिख लीजिए उसको, तो रोज आप वही चीज़ें बराबर से बोलेंगे। सो वॉट एवर यू वॉन्ट यू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सोने से पहले उसको आप दोहराते रहिए। ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता है, और ये मैजिक अगर आपको देखना है तो आप इसे आजमा के देखिए। डू इट एंड देन लेट मी नो हाउ द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। इट्स मिराकुलस, लिटरली एक मिरेकल की तरह ये चीज़ें होती हैं, ओके। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करिए, ये मेरा एडवाइस है आपको। खैर ये आपके ऊपर है, आपकी स्पिरिचुअल उन्नति के लिए आप इसको यूज़ करिए। ये देखिए किस तरह से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, एंड हाउ यू विल ग्रो इंटरनली स्पिरिचुअली, आंतरिक तरीके से आप कैसे ग्रो करेंगे, ये आप खुद देख लीजिए। ट्राई इट आउट, बट इट वर्क्स। द सबकॉन्शियस माइंड में है उतनी ताकत कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो, ओके। सो इट्स लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। Thank you for listening to me. Connect with me on every social media platform. I'm there everywhere. Okay. Thank you so much. Awesome.